वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे प्याज के गुणों के बारे में। अब प्याज के तो इतने गुण हैं कि एक एपिसोड में समा ही नहीं सकते, तो चलिए वही सिलसिला आगे बढ़ाता हूँ। जिन लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम है, खासतौर पे महिलाओं में यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहती हैं, उनके लिए एक प्रयोग मैं बता देता हूँ। एक प्याज लें, इसको बारीक बारीक काट लें, मीडियम साइज़ का अनियन ले लें, बारीक बारीक काट कर आधा लीटर पानी में उबलने दें और तब तक उबलने दें जब तक कि पानी 250 ml ना रह जाए, यानी कि पानी आधा ना हो जाए। उसके बाद ये पानी आप छान लें और छान कर इसके 3 पार्ट कर लें और 2-2 घंटों के अंतर पे ये पानी का आप सेवन करें, आपको जो यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा मेल्स में मैंने अक्सर देखा है कि मेल्स को पेशाब में जलन की आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो अगर प्याज के रस का सेवन करेंगे तो उनको पेशाब में जलन में आराम आएगा। इसके अलावा सेम प्रयोग वो भी कर सकते हैं, प्याज को लेकर आधा लीटर पानी में उबाल लें अच्छी तरह से और जब पानी आधा रह जाए तो छान कर दिन में कई बार घूट घूट करके इस पानी का आप सेवन करें, आपको जो यूरिनेशन में जलन की प्रॉब्लम है उसमें आराम आ जाएगा। जिन लोगों के कानों में साएं साएं की आवाज़ सुनाई पड़ती है, उनको कान में कुछ बूंदें प्याज के रस की दोनों कानों में आप डालें और कुछ ही दिनों में जो साएं साएं की आवाज़ आपको सुनाई पड़ती है वो सुनाई पड़नी बंद हो जाएगी। जिनके कान में दर्द है वो लोग क्या करें, प्याज का रस लें, उसको हल्का सा गर्म कर लें और जब वो गुनगुना रह जाए तब कानों में डालें, आपके जो कानों का दर्द है वो गायब हो जाएगा। अगर किसी को नक्सीर फूट रही है यानी कि नाक से खून आ रहा है तो उसको प्याज काट कर आप सुंघाएं। प्याज काट कर सुंघाने से आप देखेंगे कि नक्सीर जो नाक से खून बह रहा है वो बहना बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके एरिया में वायरल फैल रहा है तो आपको क्या करना है, प्याज के इस तरह से 4 टुकड़े कर लें और जहाँ जहाँ से आपके घर में हवा आती है 4-5 कोने पे वहाँ पर आप प्याज रख दें। प्याज में ऐसे तत्व हैं जो वायरल के कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है, प्याज में क्रोमियम पाया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में बहुत सहायक होता है, तो उनको भी प्याज का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। देखिए, अगर किसी को हैजा हो गया है जिसके कारण उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है या वॉमिट हो रही है बहुत, तो वो एक प्रयोग कर सकते हैं। आप एक प्याज ले लें और 1 चम्मच काली मिर्च ले लें और इन दोनों को मिलाकर महीन पीस लें। पीसने के बाद इसको निचोड़ कर इसका जूस निकाल लें आप और ये जूस 2-2 चम्मच दिन में 4 बार आप मरीज को पिलाएं। आप देखेंगे कि जो वॉमिट हो रही थी बार बार या डायरिया हो रहा था या जो हैजा की प्रॉब्लम है उसमें आराम आ जाएगा। इसके अलावा बहुत लोगों को देखा गया कि उनके शरीर में बड़ी सूजन आ जाती है, चेहरा भी सूजा हुआ रहता है, कई जगह पे सूजन आ जाती है, तो सूजन के लिए भी प्याज बहुत अच्छा काम करता है। तो प्याज का जूस निकालें और उनको दिन में 3 बार 2-2 चम्मच जूस आप देना शुरू करें, 1-2 महीने के अंदर ये जो सूजन आ गई है ये गायब होनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बहुत प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन वालों को क्या करना चाहिए, 2 प्याज कच्चे चबाकर खा जाना चाहिए, क्योंकि प्याज में ढेर सारा फाइबर होता है और ये फाइबर क्या करता है, इंटेस्टाइन में जो आपका मल चिपका हुआ रह जाता है उसको खींचकर अपने साथ लेकर और गुदा द्वार से बाहर निकल जाता है, तो पुराने से पुराना कॉन्स्टिपेशन भी इससे दूर हो जाता है। अगर आपको इंसेक्ट बाइट हो गई या कोई भी इंसेक्ट काट गया है, मधुमक्खी काट गई है या मच्छर काट गया है या कोई भी कीड़े ने अगर आपको काट लिया है तो तुरंत वहाँ पर प्याज काट कर उसको रगड़ दें। जहाँ पर आपको इंसेक्ट बाइट हुआ है वहाँ पर रगड़ दें तो इंसेक्ट बाइट की जलन से आपको आराम आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपके बच्चों के सर में जुएं हो गए हैं तो प्याज का पेस्ट लगाएं, 1/2 घंटे तक लगे रहने दें और उसके बाद पानी से धो लें, जुए भाग जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये प्याज बहुत गुणकारी है। आपको क्या करना है, तिल का तेल ले लें या सरसों का तेल ले लें, उसमें 1 प्याज बारीक काट कर डाल दें आप, साथ में 5-6 कलियां लहसुन की, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डाल दें और 1 चम्मच अजवाइन डाल दें और इसको अच्छी तरह से पकाएं धीमी आंच पे जब तक कि ये सारी चीज़ें जल ना जाएं। जब ये सारी चीज़ें जल जाएं तो ये तेल को आपको छान लेना है और छानने के बाद गुनगुना जब रह जाए तब इस तेल से आप मसाज करें, आप देखेंगे कि जॉइंट पेन में आपको बहुत रिलीफ आएगा। इसके अलावा प्याज का जो बीज होता है जिसको कलौंजी कहते हैं, अनियन सीड कहते हैं, वो भी बहुत गुणकारी है। 70 तरह की बीमारियों में अनियन सीड काम करता है। जिनको डायबिटीज़ की, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, सुबह खाली पेट 1 चम्मच अनियन सीड चबाकर ऊपर से पानी पी लें, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी यूं ही सॉल्व हो जाएगी।
सच बताऊं तो प्याज के गुण अभी भी खत्म नहीं हुए, दो एपिसोड और बन सकते हैं, लेकिन आप लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए मैं ये एपिसोड यहीं खत्म करता हूं, फिर किसी एपिसोड में प्याज के और गुण बताऊंगा। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं और हमारे मकसद में हमारा साथ दें। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।